होलिका दहन का धार्मिक महत्व क्या है और सामाजिक महत्व क्या है और इसके मुहूर्त क्या है? फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन मनाने की परंपरा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये पर्व हिरण्यकशिपु प्रहलाद एवं होलिका से जुड़ा हुआ है। होलिका प्रहलाद की बुआ थी जिसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो अग्नि में जलता नहीं था। हिरण्यकशिपु के कहने पर होलिका ने प्रहलाद के साथ अग्नि प्रवेश किया और उसे होलिका दहन का नाम दिया गया। उस होलिका दहन में जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी उसके प्रभाव में होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद जीवित बचे। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि होलिका बुआ थी और उसे लगा कि अपने भाई के पुत्र को मैं स्वयं कैसे अपने हाथों से मार दूंगी, नहीं मारूंगी, यह जीवित रहेगा तो हमारे पिता का वंश जीवित रहेगा और सृष्टि अनवरत चलती रहेगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अच्छा, ये इसमें इसका धार्मिक संदेश क्या है होलिका दहन का? होलिका दहन से धार्मिक संदेश मुख्यतया यज्ञ की रूप में लिया जाता है। यह एक प्रकार का यज्ञ है जो औषधियों से हवन किया जाता है। इसमें घी, मधु, शर्करा, हवन सामग्री में समिधा और खास करके विभिन्न औषधीय पौधों का लकड़ी इस्तेमाल किए जाते हैं जो वातावरण को परिशुद्ध करते हैं और आदमी को निरोग करता है, शुद्ध हवा प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ ये बसंत का पर्व है, साथ ही जाड़े ऋतु के जो जीवाणु विषाणु हैं इसको समाप्त करने के उद्देश्य से भी होलिका में इस तरह के पदार्थों का अग्नि में दहन करने से जीवाणु विषाणु समाप्त होते हैं और नई ऊर्जा का स्रोत बनता है। आज की नई पीढ़ी होली के बारे में, इसके धार्मिक पहलू के बारे में, इसके ऐतिहासिक पहलू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। आप इस संबंध में क्या जानकारी देंगे? प्रारंभ से लेकर आज तक होलिका कई रूपों में या होली कई रूपों में मनाने की परंपरा रही है। ये वर्षा ऋतु की समाप्ति, जाड़े ऋतु की समाप्ति के बाद मनाने वाला बसंतिक पर्व है। नई ऊर्जा का स्रोत है, वृक्षों पर फूल आते हैं, पुष्प लगते हैं और लोग उत्साह से प्रेरित होते हैं। युवाओं में खासकर एक नवीन ऊर्जा का संचार का वक्त है, इसलिए इसे फागुन महोत्सव भी कहते हैं। रंग से इसका तालमेल इसलिए किया जाता है कि ऐसी कथा है कि मदन कामदेव को भस्म कर एक नए रूपों में फिर से सृष्टि को आगे ले जाने की परंपरा रही है और इस कारण से ये मदनोत्सव के रूप में भी प्रचलित होती है। इसका सामाजिक सरोकार ये है कि हम भाईचारे से एक दूसरे को मिलते हैं, गले लगाते हैं, रंग और अबीर गुलाल फेंकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना थी उसको समाप्त करते हैं। यहाँ तक कि आपके मन में वर्ष भर का जो विकार है उसको वाणी के माध्यम से सामाजिक तौर पर निकाल बाहर करते हैं। सामाजिक तौर पर इसलिए कि हम देखते हैं कि जोगिरा में फागुन में तरह तरह के फकड़े गीत आदि गा करके लोग उसको निकाल बाहर करते हैं जिससे उनके मनोमालिन्य समाप्त हो जाती है और वो अपने विकार को निकाल बाहर करते हैं। किसी से भी, वो किसी भी जाति से हो,
होली उस दिन समरसता का संदेश देती है और एक दूसरे से भाईचारा से मिलते हैं, यहाँ तक कि कैसा भी अछूत से अछूत व्यक्ति को भी इसमें समान अवसर दिया जाता है और गायक मंडली एक दूसरे के दरवाजे जा कर के होली महोत्सव का गीत गाते हैं, लोगों में उत्साह वितरित करते हैं, पकवान खाते हैं, घर में बने हुए तरह तरह के व्यंजनों से अतिथियों का लोग स्वागत करते हैं। इस प्रकार होली कई मायनों में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सरोकारों से ओतप्रोत है और इसे अलग अलग क्षेत्रों में कई दिनों तक मनाने की भी परंपरा है।